दोस्तों, लकवा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लकवा को इंग्लिश में पैरालिसिस कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान के शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, फिर चाहे वो चेहरा हो, हाथ या पैर हो। कभी कभी तो ये बीमारी पूरे आधे शरीर पे लग जाती है, जिससे आधा शरीर बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। और अगर इसका इलाज सही समय पे ना किया जाए तो यह जीवन भर के लिए भी हो सकता है। इसका मतलब आपको जीवन भर किसी और के सहारे जीना पड़ेगा। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पैरालिसिस को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा। तो जैसे ही किसी को भी पैरालिसिस होगा, वैसे ही अगर ये उपचार करेंगे तो पैरालिसिस जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफस्टाइल इंफोट्यूब में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब शरीर के किसी अंग में रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो वो अंग पैरालाइज्ड हो जाता है, यानी लकवा मार जाता है। हमारे रक्त वाहिका में कहीं भी खून का थक्का जमा हो सकता है। इसके कारण रक्त प्रवाह नहीं हो पाता और रक्त का प्रवाह रुकने के कारण वो अंग पैरालाइज्ड हो जाता है। इसे ही पैरालिसिस कहा जाता है। तो किसी लकवा मारे हुए व्यक्ति को तुरंत सही इलाज मिल जाए और जमा हुआ खून का थक्का ठीक हो जाए तो वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो सकता है। और अगर जल्दी ठीक ना किया जाए तो ये बीमारी जीवन भर के लिए रह सकता है। तो अब मैं आपको पैरालिसिस होने के कुछ कारण बताऊंगा। पैरालिसिस कई कारणों से हो सकता है, जैसे नाड़ियों की कमजोरी से, अचानक शॉक लगने से, मांसपेशियों की दुर्बलता से, मानसिक दुर्बलता के कारण, रक्तचाप बढ़ने के कारण, अधिक उल्टी और दस्त होने के कारण, उल्टा सीधा गैस बनाने वाला अधिक खाना खाने के कारण, और ज्यादा व्यायाम करने से भी पैरालिसिस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लोग रक्तचाप को नॉर्मल रखने के लिए व्यायाम करते हैं, पर अगर आप ज्यादा व्यायाम करेंगे तो इससे भी पैरालिसिस हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करेंगे तो भी पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको पैरालिसिस के कुछ लक्षण बताऊंगा। इसे समझना एकदम आसान है दोस्तों। जहां पैरालिसिस होगा वो अंग काम करना बंद कर देगा और थोड़ा सा मुड़ने लगेगा और वो अंग महसूस भी नहीं होगा। शरीर कांपने लगेगा और नसें सूख जाएंगी। तो ये थे पैरालिसिस के कुछ लक्षण। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। अगर किसी को भी कभी भी पैरालिसिस हो तब तुरंत ये उपचार करेंगे तो पैरालिसिस जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब वो उपचार बताता हूँ। नंबर 1, लहसुन। पैरालिसिस में सबसे ज्यादा असरदार और उत्तम उपचार है लहसुन। लहसुन न केवल पैरालिसिस का बल्कि हर किसी रोग का इलाज है, क्योंकि लहसुन रक्तचाप को कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा शक्ति को भी बढ़ाता है। इसलिए लहसुन एक रामबाण इलाज है। लहसुन का सेवन आप कई प्रकार से कर सकते हैं। हर रोज 4-5 लहसुन को कच्चा ही खाएं पानी के साथ, और अगर कच्चा अच्छा ना लगे तो इसे पीस कर उसमें 2 चम्मच शहद डालकर उसका सेवन करें। और आप इसे एक और तरीके से भी ले सकते हैं। लहसुन की 4-5 कलियों को लेकर उसे दूध में उबाल लें और उसका सेवन करें। तो इन प्रकारों से लहसुन का सेवन आप कर सकते हैं। मैं आपको इनमें से शहद और लहसुन को ज्यादा लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर ज्यादा पैरालिसिस हुआ है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। नंबर 2, तेल और मालिश। पैरालिसिस में खाने पीने के साथ मालिश भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे जमा हुआ खून फिर से प्रवाहित होने लगता है और पैरालिसिस जल्दी ठीक हो जाता है। इसके लिए आप कलौंजी या तिल के तेल को थोड़ा सा गुनगुना करके मालिश कीजिए। इसके साथ साथ दिन में 2 या 3 बार 1 चम्मच तेल पी जाएं। ऐसा आप रोज करें, इससे 30 दिनों में फर्क दिखने लगेगा। नंबर 3, छुहाड़ा और दूध। दूध में छुहाड़ा भिगोकर खाने से पैरालिसिस में जल्दी सुधार आता है। इसके लिए कम से कम 5 छुहाड़ों का इस्तेमाल कीजिए और इसे भी आप रोज अपनाएं। नंबर 4, तांबे का बर्तन। रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रख लें और उसमें 1 चांदी का सिक्का भी डाल दें और रोज सुबह उठते ही उस पानी का सेवन करें। याद रखें कि खाली पेट ही उस पानी का सेवन करना है और उसके आधे घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ये सबसे सस्ता और अच्छा इलाज है पैरालिसिस के लिए। नंबर 5, उड़द और सौंठ। रोजाना सौंठ और उड़द को पानी में उबाल कर पीना चाहिए। इसके लिए सौंठ और उड़द को पानी में डालकर उबाल लें, फिर उसे छान के पानी से अलग कर लें। उसके बाद उस पानी को ठंडा करके पी लें
ऐसा रोजाना करें, इससे पैरालिसिस को ठीक करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू उपचार पैरालिसिस को ठीक करने के लिए। और याद रखें, जैसा ही पैरालिसिस होए वैसे ही ये उपचार कर लें, इससे पैरालिसिस जल्दी ठीक होता है। और अगर पुराना पैरालिसिस है तो भी ये उपचार कर सकते हैं, पर अगर ज्यादा गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह लें और सही इलाज करें। जितना जल्दी रक्तचाप नॉर्मल हो जाएगा और जमा हुआ खून बहने लगेगा उतना जल्दी पैरालिसिस ठीक होता है। जिस व्यक्ति को पैरालिसिस होता है उसे करेला जरूर खाना चाहिए और डेली व्यायाम करना चाहिए, भरपूर नींद लेना चाहिए और मालिश जरूर करवाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे समय में नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मच्छी घी या ज्यादा हाइजेनिक खाना भी नहीं खाना चाहिए, इससे रक्तचाप पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अच्छा और घरेलू खाना खाएं, पूरी नींद लें, रोज व्यायाम करें और ज्यादा चिंता ना लें, इससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।